नॉरिस, ये हैं वो ड्राइवर जिनके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे एतमाद का बंदा है, बाकी तुम जो पूछना चाहते हो पूछ लो। कितना तजर्बा है जी? अब तो काफी अरसा हो गया, अब तो याद भी नहीं कि कितने साल हो गए। इस मैदान का पुराना खिलाड़ी है। इससे पहले कहाँ जॉब करते थे? जी एक मैनेजर साहब की फैमिली का ड्राइवर था। उन्हें क्यों छोड़ा? मैनेजर साहब फैमिली समेत अमेरिका शिफ्ट हो गए, इसकी वजह से मजबूरन नई मुलाजमत ढूंढना पड़ी। आपको तो मालूम है जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। सही। नॉरेस, मैं इसका मुकम्मल इंटरव्यू ले चुका हूँ, तुम बस बेफिक्र हो जाओ। ठीक है हसन, बंदा तुमने रेफर किया तो ठीक ही होगा। तुम्हें समझ आ गई है ना? जी साहब जी, समझ तो आ गई है, लेकिन इस काम में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर? तो प्लान बदल लेना। प्लान? जी। इतने समझदार आदमी हो, इतना तो पता होगा कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड होगा। साहब जी, मगर वो भी तो आप बताएंगे ना मुझे। इसके लिए मुझे नेक्स्ट प्लान बनाना होगा। खैर, वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, लेकिन असल काम इसके बाद शुरू होगा। साजी, वो काम मुझ पे छोड़ दें। और अगर जैसा मैंने कहा है वैसा ना हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साहब जी, ये तो मामूली सा काम है, मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, आप फिक्र ना करें। इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। और साहब जी, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से, किसी को शक नहीं होना चाहिए। साहब जी, आप बेफिक्र हो जाएं और आराम से जाके सो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।